नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फुल्की बनाऊंगी, उसको बहुत बहुत लोग पानी पूरी भी बोलते हैं, गोलगप्पे भी बोलते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड मिलके बनाएंगे, आइए देख लेते उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए। ये हम एक कटोरी आटा ले लिए हैं, एक कटोरी में थोड़ी सी खाली थी कटोरी आटा लिए हैं। अब एक पूरी भर कटोरी की सूजी ले लेते हैं, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डाल के इसको सान लेते हैं आटे को, और हमको आटे को थोड़ा टाइट ही सानना है। ऐसे बताइए ना वो मम्मी आटो। ये देखिए फुल्की का आटा हमारा सन गया है, ये आटा हमारा सन गया है। अब 5 मिनट इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तब तक हम फुल्की का और सामान देख लेते हैं, जीरा जल बनाते हैं, मटर उबालते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम मटर ले लिए हैं, इसको कल हम रात में भिगा दिए थे। अब हमारी मटर अच्छे से फूल गई है, अब इसको कुकर में हम रख के उबालेंगे। थोड़ा सा कुकर में डाल दे रहे हैं, ये हम इसमें 2 ग्लास तक पानी डालेंगे। आपको कम लगे तो थोड़ा बहुत और डाल दीजिए, 2.5 ग्लास हम पानी डाले हैं। और 1 किलो मटर थी, अब इसमें हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम खाने वाला सोडा डाल दिए हैं। अब इसको कुकर बंद करके हम गैस पे रखते हैं। ये हम कुकर गैस पे रख दिए हैं जला के, अब हम सीटी आने तक इंतज़ार कर रहे हैं। अब जीरा जल देखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए अब हम जीरा जल बनाने जा रहे हैं। ये हम खटाई लिए थे, इसको भी भिगा दिए थे 3-4 घंटा पहले। और ये धनिया पत्ती लिए हैं, और 1 गड्डी पुदीना लिए हैं, 1 गड्डी धनिया भी है, सादा नमक लिए हैं, और ये काला नमक है, और ये भुना हुआ जीरा है हम भून के पीस लिए हैं, और हरा मिर्च लिए हैं। आप तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं खटाई को, और ये पुदीना भी पीस लेते हैं, और हरा मिर्च भी पीस लेते हैं। ये देखिए पुदीना को हम पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे तो अच्छे से पिसा जाएगा। ये देखिए पुदीना हम पीस लिए हैं, अब यही भगोना में हम उड़े देते हैं जिसमें बनाना है। ये हम खटाई को 2-3 मिनट उबाल लेते हैं गैस पे, 1 ग्लास पानी डाल के हम रख दिए हैं। ये हरा मिर्च भी हम पीस लेते हैं, ये हरा मिर्च भी पीस गया है, इसको भी इसी में डाल देते हैं जिसमें हमको बनाना है। इसमें पानी डाल के जार में इसको भी इसी में डाल दे रहे हैं। ये देखिए 2-3 मिनट हम खटाई को पका लिए हैं, अब इसको भी थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम पीस लेते हैं। ये देखिए खटाई हमारी पीस गई है, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं, और पानी डाल के इसमें भी थोड़ा खंगार देते हैं। हम इसमें पानी डाल देते हैं जितना हमको चाहिए, अभी बहुत गड्ढा है, अभी और पानी डालना है। अगर हो सके तो ठंडा पानी ही डालिए। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे, सबसे पहले हम सादा नमक डालेंगे, 2 चम्मच लिए थे, और 2 चम्मच काला नमक, और भुना हुआ जीरा इसको भी 2 चम्मच लिए थे, सब डाल देते हैं। और अब अच्छे से मिलाते हैं,
ये देखिए जीरा जल हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब कुकर में मटर रखे थे, मटर भी दो सीटी आ गई है, अब इसको भी गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लोई बना लेते हैं, छोटी या बड़ी आप लोई ले सकते हैं, क्योंकि हमको बेलने के बाद काटना ही है। इसको हम बेल लेते हैं। और हमको इसको ऐसे ही बेलना है जैसे आप। ये देखिए हम बेल लिए हैं, अब इसको हम फुलकी के आकार काटेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमको काटना है। अब हम जो एक्स्ट्रा निकला है उसको निकाल देते हैं, उसको फिर से निकाल के आटे में मिला के सानेंगे, और फुलकी वाला अब इधर कपड़े पे फैला देंगे। तो लोई बनाते हैं, ऐसे ही हमको लोई बना के बेलना है। ये देखिए हम एक अंगोछा लिए थे, सूती है, कॉटन है, इसको हम भिगा के बिछा लिए हैं अच्छे से। अब हम इसी पे फुलकी फैलाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हमको बराबर से फैला देना है। ऐसे ही हमको पूरा फुलकी बना के फैला देना है कपड़े पे। ये हल्का गीला है कपड़ा, सफा है हमारा कपड़ा। ये देखिए हमको इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। ऐसे ही फिर काट लेंगे पूरा। ये देखिए पूरी फुलकी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब यही कपड़े से हम ढक दे रहे हैं, 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तब तक हम ये तेल अपना कढ़ाई में रिफाइन ऑयल लिए हैं, अब इसको हम रख दे रहे हैं, तब तक गर्म हो रहा है। इसमें हम इसको ढक के थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार दे रहे हैं। ये देखिए मटर भी हमारी अच्छे से पक गई है, इसको भी एक भगोना में हम निकाल के रख लिए हैं। ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम फुलकी इसमें डालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है। ऐसे ही हमको एक एक करके डालना है, इकट्ठा डालेंगे तो चिपक जाएगा। ये देखिए दूसरी भी डाल दिए हैं, अब पहली वाली हम पलट देते हैं दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। ऐसे ही हमको पूरा फुलकी डाल डाल के छानना है। ये देखिए ऐसे ही एक एक करके हमको पूरा फुलकी डाल लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रही है। अब हमारी फुलकी पक गई है, अब निकाल लेते हैं। ये देखिए फुलकी भी हमारी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितने अच्छे से फूली है। ये देखिए जीरा जल भी और मटर भी तैयार है। अब आप लोग भी इसको फुलकी ज़रूर बना के सबको घर में खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।